समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सपा का संसदीय दल नेता नियुक्त किए जाने से मुरादाबाद के लोगों में खुशी का माहौल है। नेता सदन बनने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने पर सांसद एसटी हसन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शनिवार को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के महानगर अध्यक्ष नदीमुद्दीन की अध्यक्षता में यूनियन के पदाधिकारियों ने सांसद एसटी हसन के निवास पर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर यूनियन के महासचिव साजिद हुसैन वारसी, मोहम्मद असलम खान, वसीम अली, मोहम्मद शाहनवाज, शारिफ खान, मोहम्मद इमरान आदि ने सांसद एसटी हसन का फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष नदीमुद्दीन ने कहा कि मुरादाबाद की आवाम के लिए गर्व की बात है कि हमारे लोकप्रिय सांसद एसटी हसन साहब को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नेता सदन नियुक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद एसटी हसन बेदाग छवि के मालिक हैं और सदन में जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर सांसद एसटी हसन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करेंगे। मोहम्मद आजम खान को लेकर पूछे गए एक सवाल पर सांसद एसटी हसन ने कहा कि आजम खान साहब उनके आइडियल हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी से मुकाबला करने की क्षमता सिर्फ समाजवादी पार्टी रखती है। आने वाले निकाय चुनाव एवं लोकसभा चुनाव में देश में बदलाव आएगा और बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन को आज हमारे साथ मौजूद है और समाजवादी पार्टी का नेता बनने के बाद या यूं कहे कि संसदीय दल का नेता बनने के बाद आज वो पहली बार मुरादाबाद आए हैं और उनका स्वागत जो है वो लगातार जारी है। उनसे मालूम करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो दोबारा एक हो रहा है, जुड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि डिम्पल यादव ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन इनाम जो है वो आपको मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो अध्यक्ष जी की मेहरबानी है जी, और मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे पर भरोसा करा और लोकसभा में समाजवादी दल का नेता बनाया। उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा जी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ये मेरे ऊपर, और मेरी हमेशा कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि समाज को एक करना है। वो तमाम ताकतें जो नफ़रतों की सौदागरी करती हैं जी, उनसे हमें लड़ना है और देश को बचाना है, और हर इंसान को उसका हक मिले बग़ैर इस बात के इम्तियाज़ हुए हुए कि वो गरीब है, अमीर है, ताकतवर है या कमज़ोर है। ये समाजवादी विचारधारा है। माननीय नेता हमारे मरहूम मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कि मेरी जानकारी में है या फिर जो चर्चाएं हैं वो आम हैं कि समाजवादी पार्टी में एक सेकंड नंबर या दूसरे नंबर का नेता आजम खां को कहा जाता था, क्योंकि आजम खां साहब के ऊपर अब मुकदमे हैं, वो मुकदमों से लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं। अब दूसरे नंबर की बात कही जा रही है कि एसटी हसन साहब हैं। एसटी हसन साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो है वो पार्टी का नेता बना दिया है, तो क्या माना जाए, दूसरे नंबर पे आ गए आप? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आजम खान साहब मेरे भी नेता हैं और मेरे भी वो आइडियल हैं जी, और आजम खान साहब को कितना ही मुकदमे और कितनी ही जेलें हो जाएं, लेकिन वो हिंदुस्तान के गरीब के दिल में, मुसलमान के दिल में, मजदूर के दिल में हमेशा जगह बनाए हुए हैं, और वो देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली वो पहचाने जाते हैं। तो मेरा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं, ज़मीन का आसमान से क्या कंपैरिजन हो। आज़म खान साहब आज़म खान साहब हैं और वो हम सब के नेता हैं। कुछ तो चर्चा हुई होगी जब आपको पार्टी नेता बनाया जा रहा था कि भाई आपकी तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि डिम्पल यादव इतनी मार्जिन से जीत करके आई और इस वक्त जो है वो शिवपाल सिंह यादव भी पार्टी के अंदर हैं, चाचा भतीजे भी एक हैं, तो क्या कुछ चर्चा हुई थी कि भाई आपको बनाना है? मुझसे तो कोई चर्चा नहीं हुई थी। मुझसे अध्यक्ष जी ने अचानक ही कहा कि आप कोई जिम्मेदारी उठानी है। मैंने ये भी कहा कि और सीनियर नेताओं को देख लिए, भाभी डिम्पल भाभी को देखें, लेकिन अध्यक्ष जी का आदेश मेरे लिए हुआ और ज़ाहिर है उनका जो आदेश है वो शर्माते हैं।
क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो करीब है, तो अब समाजवादी की क्या रणनीति रहेगी कि मतलब मुस्लिम चेहरा हमारे जो है वो आगे किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, या क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर के? देखिए, मुस्लिम्स की बात तो हमेशा समाजवादी पार्टी करती है बगैर किसी अपने इंटरेस्ट के, और ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का। मुझे उस विचारधारा को भी आगे बढ़ानी है कि मुसलमानों की बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में रखी जाए, उनके साथ जो नाइंसाफियाँ इस वक्त हो रही हैं, जो बेईमानियाँ उनके साथ हो रही हैं, उसको उजागर किया जाए, उनको इंसाफ दिलाने की बात की जाए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का और हम लोगों का सबसे बड़ा एम है जी, हम हिंदुस्तान की वो पुरानी तहजीब जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है, वो गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बढ़ावा देना है। अगर ये टूट जाता है तो हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान की इस तहजीब को तोड़ना चाहते हैं, जो वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, असल मायनों में हिंदुस्तान को कमज़ोर करने वाले ही देशद्रोही हुआ करते हैं। मुरादाबाद के ही रहने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह को जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो लड़ाई जो है वो चुनाव की जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में रहेगी, ऐसा मानना है? यकीनी तौर पर अगर भाजपा का कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, उसके अलावा इस वक्त कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जो भाजपा का मुकाबला कर सके। राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा एक लेके चल रहे हैं, काफ़ी जनसंख्या उनकी देखी जा रही है उनके काफिले में, तो कुछ अलायंस करने का मौका मिलेगा या फिर अकेले दम पे चुनाव लड़ जाएगा? हम तो यही चाहते हैं कि सारा अपोजिशन मिलके फाइट करे, बाकी ये तो बड़े नेता डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी नज़र में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? साउथ में तो लगता है फ़ायदा है, और ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, कोई सियासी यात्रा वो कहते हैं हम नहीं कर रहे, और इस वक्त इस बात की ज़रूरत भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को आपस में जोड़ना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।